किसी ने क्या खूब कहा है, अगर मन में कुछ पाने की इच्छा हो और आप पूरी दृढ़ इच्छा से, पूरी आत्मविश्वास से, पूरे जुनून से आगे बढ़ें, तो ये कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गायिका का जिसके एक गाने के सुनने के लिए हजारों लोग बेताब रहते हैं और उनकी आवाज को सुनने के लिए लोगों ने यूट्यूब पर जाकर ना जाने कितनी बार उनके गानों को देखा है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस समय बॉलीवुड पर अपने सॉन्ग से राज करने वाली सेल्फी क्वीन नेहा कक्कड़ की। दोस्तों, नेहा कक्कड़ एक ऐसी गायिका है जिनकी आवाज सुनने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और इतनी ही बड़ी उपलब्धि नेहा ने बहुत ही कम उम्र में पाली है। इस कहानी की शुरुआत होती है जब नेहा कक्कड़ का जन्म उत्तराखंड में 6 जून 1988 को ऋषिकेश में हुआ। नेहा का बचपन दिल्ली में बीता। आज इतनी मशहूर हो चुकी नेहा और इतनी बड़ी गायिका बन चुकी है, लेकिन यह सफर भी उनका बहुत कठिन रहा, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि इतनी आसानी से कहां सफलता मिलती है। देखा जाए तो नेहा ने भी बहुत मेहनत करी है और कभी एक कार्यक्रम में प्रतिभाग लेने वाली नेहा ने उसी शो को जज भी किया। नेहा ने 2006 में इंडियन आइडल में भी भाग लिया और अपनी आवाज से सबको प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने 2009 में एक सीरियल के लिए शीर्षक गाना भी गाया। इसके बाद उन्होंने 2014 में कॉमेडी सर्कल के टांसेन में भी नजर आई। लेकिन अभी तक जो नेहा को उपलब्धि चाहिए थी वो अभी तक शायद नहीं मिली थी, लेकिन इस दौर में उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी और मेहनत करती रही और आगे बढ़ती रही। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हैं और बीच में नहीं रुकते हैं हार के, तो आप जरूर सफल होते हैं। इस बीच नेहा कक्कड़ ने भी पूरी तरीके से मेहनत करती रही और उन्होंने YouTube पर एक गीत गाया जो कि शाहरुख खान के लिए गाया था और ये गाना काफी हिट हुआ। इस गाने के हिट होने के बाद काफी लोगों ने उनको सुना और धीरे धीरे लोग उनके इस गाने को पसंद करने लगे और आखिरकार उनको वो धीरे धीरे पहचान मिलने लगी। लेकिन अभी तक नेहा कक्कड़ को वो उपलब्धि नहीं मिली थी जो वो चाह रही थी, लेकिन मेहनत करती रही और अब आप जानते हैं उसके बाद उनके कितने ऐसे गाने आए जिनको काफी पसंद किया गया और आपने भी जरूर पसंद किया होगा। अगर हम वो गिनने आ जाए गीत तो आज शाम हो जाएगी, लेकिन वो गीत खत्म नहीं होंगे। उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं इंटरनेट पर सर्च करके। ऐसे नेहा ने कई गीत गाए जो इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी सुने जाते हैं और जो काफी हिट हुए, और ये सब हुआ है उनकी मेहनत के बदौलत। कभी नेहा कक्कड़ ने एक शो में प्रतिभाग किया था और अब उन्होंने उसको जज भी किया। यह वीडियो देखकर भी आपको समझ में आ गया होगा कि जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़े शहर से हो या कोई बड़े घराने से हो या बहुत पैसे वाले हो, अगर मन में जुनून हो, दृढ़ इच्छा हो, करने का प्रयास हो, तो आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। ना कि घर पर बैठ जाना चाहिए कि मैं तो कोई बड़े घर से नहीं हूँ या मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, हम फिर से आएंगे कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा है, कुछ करने का जुनून है, तो ये कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है, मगर आपके अंदर भी वो जुनून होना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, अभी करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। साथ ही में अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई यार एक लाइक तो कर ही देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।